तो आज की वीडियो में हम वीर्य को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और वीर्य में एक ऑप्शन होता है वीर्य टू साइडेड मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो यूज होता है ना, जैसे लैंप होता है आपका, लैंप आपका ग्लो करता है, देखो यहाँ पे इस तरीके के मटेरियल में काम आता है। अब लैंप के अंदर लाइट भी चल रही है और दोनों साइडेड के मटेरियल है। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे करूं वीरे टू साइडेड मटेरियल, तो आप देखोगे कि इस तरीके के इफेक्ट अगर लेके आने हैं, तो अब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इंटीरियर में। कुछ लैंप लगाना है, बल्ब लगाना है, कुछ भी लगाना है, इस तरीके का इफेक्ट लाना है, तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक बराबर है, तो मान लो अभी के लिए लैंप को छोड़ के मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, लैंप बाद में ले लेंगे, सो सिंपल सा। अब इस बॉक्स के अंदर मेरे को उस तरीके का ग्लो चाहिए। पहले हाँ ओके एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी सुरेश जी। तो इसको ग्लो करना है हमें, ठीक है। तो इसको ग्लो करने के लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, पहले जाता हूं मटेरियल पे, और कोई भी एक मटेरियल स्लॉट मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद, ये तो है मेरा वीरे मटेरियल, मतलब मैं बाहर का मटेरियल यही चाहता हूँ, तो मैंने वीरे मटेरियल को हटाया और इसको कर दिया वीरे टू साइडेड मटेरियल, एंड ओके। जैसे ही ओके करोगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा ये वाला, ये आपको बोलता है कि डिस्कार्ड कर दो ओल्ड मटेरियल को, या फिर कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल। मैं कहा पहले वाले को भी रख लो, एंड ओके। तो टू साइडेड मटेरियल में एक तो मटेरियल आएगा फ्रंट का और एक मटेरियल आएगा बैक का। फ्रंट मटेरियल में तो वो मटेरियल लग गया जो मैंने यहां पे लगाया है, करेक्ट। बैक मटेरियल में मेरे को दूसरा मटेरियल लगाना है, तो मैं इस मटेरियल को कॉपी कर लेता हूं और यहां से बैक मटेरियल को ऑन कर देता हूं, और यहां पे बैक मटेरियल को पेस्ट कर देता हूं और कॉपी कर देता हूं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और बैक मटेरियल का मैं कलर कोई भी चेंज कर सकता हूं। ये बैक मटेरियल का हो गया, गो टू पेरेंट। अब आपके दोनों मटेरियल लग गए, मटेरियल का तो हो गया काम कंप्लीट, बट वो दिखेगा कैसे ग्लो। लाइट डालना पड़ेगा। पहले डालनी पड़ेगी लाइट। तो मैं टॉप पे गया और मैं यहाँ पे वीरे पे जाके, और मैंने ले लिया वीरे लाइट, और प्लेन लाइट ना लेके मैंने ले लिया स्फीयर लाइट। स्फीयर लाइट लेके मैंने यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन किया और इसके बीच में बना दी स्फीयर लाइट, और फ्रंट पे जाके इस लाइट को इसके बीच में ड्रैग कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी पे जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाके मैंने मल्टीप्लायर बढ़ा दिए, और कलर जो भी मैं चाहता हूँ थोड़ा लाइट का, वो मैंने, मान लो मैं वार्म चाहता हूँ तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैंने 5500 के आसपास कर दिया कोई भी ऐसा कलर। क्लियर है? ठीक है। तो उसके बाद अब ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। बट अब अगर रेंडर करूंगा मैं, तो देखो ऐसे ग्लो करता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। और अच्छे से अगर मेरे को देखना है, तो मेरे को इंटेंसिटी मैंने कम की, और मैं क्या करता हूं, एक लगाता हूं यहाँ पे वीरे प्लेन मटेरियल पे जाता हूं, और ये वीरे प्लेन मैं दे देता हूं इसे, ठीक है। और वीरे प्लेन, और इसको सिलेक्ट करके वीरे प्लेन का हल्का सा मैं रिफ्लेक्शन डाल देता हूँ, ठीक है। और अब ब्लेंडर करता हूं विद द हेल्प ऑफ कैमरा, क्योंकि विदाउट कैमरा करोगे वो रियलिस्टिक इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। फिजिकल कैमरा मैंने लगाया यहाँ पे, की ऑन है क्या, हटा, सी प्रेस करो, इस व्यू को चेंज करो, और ये मैंने ये व्यू रख लिया यहाँ पे। अब मेरे पास बेसिकली ये व्यू है, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेंडर करूंगा, थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, अब देखो एकदम से आया इफेक्ट चेंज, समझ रहे हो? अब बराबर ये वाला इफेक्ट दिख रहा है इसका यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपनी लाइट को लेता हूँ और इसके स्फीयर को हल्का सा साइज को कम करता हूँ, रेडियस को, इंटेंसिटी हल्की सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप रेंडर करोगे, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाई, एक सेकेंड, देखो इस तरीके का रेंडर आएगा। इंटरेक्टिव ऑन किया, मल्टीप्लायर बढ़ाओगे, वैसे वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा समझ रहे हो? करेक्ट तो इस तरीके से आप लैंप के अंदर भी डालोगे। अगर अब मैं लैंप के अंदर डाल के देखूं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैंप चाहिए। हाँ तो लैंप के लिए मैं कहाँ चलता हूं, या तो मैं बनाऊंगा,
हाँ या आर्चिव 3D। या आर्ची 3D है, या फिर कोई भी साइट जहां से आप 3D मॉडल रख सकते हो। तो मैं अगर कोई भी एक सिंपल सा लैंप लेता हूं, अब यहां पे इतने सारे टाइप्स के लैंप है, ओके कैसे भी ले सकते हो। मान लो मैंने ये वाला लैंप ले लिया, ये वाला ठीक है, इसके बीच में कर देंगे ग्लो बराबर। डाउनलोड। ये प्रोसेसर सर हम कोई भी लैंप फिर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बना सकते हो, कितने सारे लैंप है, बना लो, उठा लो यहां से, कुछ भी कर लो, ये अपना ये जो सीलिंग में लगते फॉल सीलिंग वो भी बना सकते हैं इससे। कुछ भी बना सकते हो। फॉल सीलिंग का भी बताता हूँ। फॉल सीलिंग में एक्चुअल में क्या किया जाता है, जैसे वो लगती है ना आपकी लाइट हाँ हाँ व्हाइट सीलिंग कलर वाली, ठीक रिसेस्ट। है, हाँ कैसे कर सकते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ। पहले एक बार ये क्लियर कर दूँ। तो ये वाला मैंने लिया और इसको राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट किया, ये मेरे पास लैंप आ गया। और इस लैंप को देखो कितने सारे टेक्सचर भी आ गए साथ में। इस लैंप को मैं ड्रैग करके लेके चला गया और इसके अंदर मैंने ये रख दिया, ठीक है, और मैंने इसको जाके ऊपर रख दिया, फ्रंट में गया और यहाँ पे रख दिया कैमरा व्यू। ओके, ये मेरा लैंप आ गया इस तरीके से। टेक्सचर इसके अंदर है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेटिंग है, कस्टमाइज में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद फाइल पे क्लिक करो, और एक ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ टू रिलेटिव। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मटेरियल कहीं से लगाते हैं, कोई मटेरियल कहीं से लगाते हैं, हाँ हाँ ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई एक काम करो, आप मेरे को ये फाइल सेंड कर दो। हाँ 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 अब जब आप मेरे को फाइल सेंड करोगे तो उसके तो पाथ ही हट जाएंगे सारे, बराबर आपको सारे मटेरियल भी मुझे सेंड करने पड़ेंगे। बराबर। अगर मटेरियल नहीं सेंड करोगे वो पाथ हट जाएगा। तो हमेशा अपनी फाइल पे कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ इनटू रिलेटिव पे क्लिक करके रखो, ताकि आपके टेक्सचर एक फाइल में अलग से सेव होते रहे, अच्छा समझ रहे हो। ये स्टार्टिंग में कर देना चाहिए हाँ, ना। ये स्टार्टिंग में ये सेटिंग करके रखो अपना, ओके ठीक है, ओके ये सही है सेटिंग। ये करने से आपका बहुत सारी चीजें बच जाएंगी, आप सेंड करोगे कोई मटेरियल वगैरह, ठीक है, वो डायरेक्टली आ जाएगा वहां पे, ठीक अच्छा। है। अब जैसे ये है, देखो इसके मटेरियल देखो आ गए हैं इसमें, काफी हद तक इसी से काम चला लेंगे, बाकी आपको पता ही है कि कैसे मटेरियल लेके आते हैं बाद वो में। पाथ देना होता है। अच्छा हाँ, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, सिर्फ मैं इस पे लगाऊंगा टू साइडेड मटेरियल। तो मैं मटेरियल पे गया, ठीक है, मान लो मैं कोई अलग से मटेरियल ओपन करता हूँ और इसको मैंने कर दिया अप्लाई इस पे। अब एक लाइन ये है, इस पे दूसरा करूंगा मैं, सिर्फ इस पे करूंगा टू साइडेड, और इस पे क्लिक करके मैंने कर दिया इसे टू साइडेड, कीप ओल्ड मटेरियल, और इसको मैंने किया कॉपी, और इसको ऑन करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसका कलर कर दिया मैंने कुछ अलग, क्लियर है। सर वो पहले इसके साथ जो आया वो नहीं रख सकते हम, वो भी टू साइडेड रहेगा ना, नहीं, इसके साथ टू साइडेड नहीं होगा ना, उसने लैंप बना। जरूरी अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसके इन एजेस पे मैंने ये वाला लगा दिया, हल्का सा ब्लैकिश कर दिया और हल्की सी रिफ्लेक्शन दे दी, अब ये वाला लगा दिया, ठीक है। और अब मैं इस पे क्या करता हूँ, इसके बीच में मैं क्या लगा देता हूँ, एक लाइट अपना स्फेरिकल लाइट, ये एलिप्टिकल। लाइट स्फेयर लाइट, ये मैंने स्फेयर लाइट लगाई, फ्रंट पे गया और इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, और डोम लग गई है। तो वीरे लाइट, स्फीयर लाइट फ्रंट, और इस लाइट को मैंने रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे, और इसकी मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई और थोड़ा साइज बढ़ाया, क्लियर है। चलो देखते हैं अब इसका इफेक्ट क्या आता है। सी प्रेस, कैमरा व्यू, अब रेंडर करते हैं। अब देखो आ गया ना वो इफेक्ट, दोनों साइड आपको कलर अलग दिख रहे हैं, ठीक है। और इसके मैं अगर इंटेंसिटी को और बढ़ाता हूँ लाइट की, तो और ज्यादा इफेक्ट आएगा ऐसे, वो तो साइड में लाइट नहीं है, ठीक है। इसलिए वो लैंप नहीं शो हो रहा है, हाँ, अगर मैं साइड में लाइट लगा दूँ फ्रंट में जाके, ठीक वो लैंप भी शो हो रहा है। है, हाँ, अगर मैं मान लो एक वीरे लाइट स्टूडियो लाइट टाइप में लगा दूँ फ्रंट या लेफ्ट में जाके, मान लो मैंने एक लाइट लगाई टॉप, और इस लाइट को नहीं, फ्रंट, इस लाइट को मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा रोटेट कर दिया यहाँ पे, ऐसे कर दिया, इसी से देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अब दिख रहे हैं ना आपको लैंप भी और लाइट ग्लो करते हुए, तो डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी एंड ऑल पे, करेक्ट समझ गए। है करेक्ट। एक तो इस चीज की हमें नीड पड़ेगी,
एक हमें नीड पड़ती है उस चीज की जो आपके कंसील्ड लाइट होती है जो हाँ फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में, ठीक है। अब कंसील्ड लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को बनानी है कंसील्ड लाइट मान लो, तो अच्छा मैं व्यू चेंज करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैंने बॉक्स लिया, ठीक है, बॉक्स लेके राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको मैंने कर दिया डिलीट, इसको मैंने कर दिया डिटैच, हाँ पता ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिटैच, ओके, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर बनाना चाहता हूँ ना कंसील्ड, बराबर। वापिस लगा दूंगा इसको, हाँ हाँ तो मैंने इसको लगाया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, शेल प्रॉपर्टी शेल, और इसको शेल को स्पेंडन कॉर्नर। स्ट्रेंथन कॉर्नर, और इसको मैं क्लिक करके इसको भी क्या कर देता हूँ शेल, इसकी भी एक थिकनेस आ जाएगी बेसिकली, ठीक है, चलो ये थिकनेस आ, ये मेरी रूफ हो गई, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको कर देता हूँ ऑब्जेक्ट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ये आ गया, क्लियर है। ओके। अब यहां पे मेरे को कंसील लाइट लगानी है, अब कंसील लाइट दिखाना भी है, अब दो तरीके हैं इसको करने के, अब वो बता तो था ही मैंने आपको, हाँ वो इस सीलिंग रफ। अगर बनानी है तो कैसे बना सकते हो, हाँ। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ कि इसी को मैंने कर दी कॉपी नीचे की तरफ, ठीक है, नॉर्मल कॉपी करके, और इसके बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, कोब लाइटिंग होल भी कर सकता हूँ बराबर। उस तरीके से, या फिर साइडों से होल कर सकता हूँ, मिडल का रख सकता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं साइडों का रखना है, बीच का होल करना है, तो मैं टॉप पे जाके मैं क्या करता हूँ, फ्रंट पे गया, सामने गया, इसके अंदर बेसिकली होल करना, ऊपर वाली छत तो चाहिए, तो मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ इसकी, और टॉप पे जाके मैं उसको क्या कर लू, स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने स्केल किया, और स्केल करने के बाद राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसके मैं सेगमेंट्स को करके, क्योंकि ये इधर ज्यादा है ज्यादा ना, स्केल नहीं होती इसको बराबर। थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हाँ ओके। हूँ, और ये करने के बाद फ्रंट पे जाता हूं, और इसके ऊपर वाले दोनों वर्टेक्स पकड़ के, इसको बढ़ा देता हूँ, कट कर बढ़ाने के देते बाद इसमें से क्या कर देता हूँ, सब ट्रैक कर। बुलियन, तो मैंने बुलियन लिया, ऐड ऑपरेंड, ये मेरा ऑपरेंड है, और ऑपरेंड को मैंने क्या बना दिया, सबट्रैक्ट, क्लियर है। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, अगर मेरे को हल्का सा ऊपर करना है तो मैं ऊपर कर दूंगा जितना भी मेरे को करना है, ठीक है, तो अब बेसिकली मैं देखूंगा इस तरीके का इफेक्ट आ गया, इस वाले में तो मैं लगा सकता हूँ फोग लाइट, इस वाले पार्ट में, अब यहाँ पे वो वाली लाइट लगानी है, तो मेरे को वो वाली लाइट पहले बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया सिलेंडर लिया, ऑटो ग्रिड ऑन किया, और ये मैंने एक सिलेंड्रिकल लाइट ये लगा दिया, प्रॉपर्टी पे गया इसकी, और इसको पहले तो दिया साइड रेडियस ताकि वो राउंड हो जाए, राइट क्लिक एडिट पॉली, इसके इसको सिलेक्ट करो फेस को, राइट क्लिक क्या करो इनसेट, राइट क्लिक, और फिर एक्सट्रूड करो तो हल्का सा अंदर की तरफ, ऐसी होती है बात, आ गई है मटेरियल की, इसको तो लगा दो, एक मटेरियल में क्रिएट कर लेता हूं, मान लो ये वाला मटेरियल लिया, ये ले दिया लाइट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया अप्लाई, इससे बाकी बचे हुए को सिलेक्ट करना है तो मैं कर दूंगा ये एडिट पे जाके ओके सिलेक्ट इनवर्स, और इस पे मैं कर देता हूं दूसरा ये वाला मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके की मेरे को मालूम नहीं, मेरे को व्हाइट चाहिए बेसिकली, तो मैं ये कर देता हूँ, क्लियर है। ओके। अब ये वाला जो मटेरियल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसको मैंने दो तरीके आपको बताए थे, कि एक तो इल्यूमिनेशन को आप बढ़ा सकते हो, लाइट का वो मटेरियल कर सकते हो, वरना हम इस पे लाइट का मटेरियल डालने के लिए इस वाले मटेरियल को हम वीरे मटेरियल को हटा के हम कर देंगे वीरे लाइट मटेरियल, एंड ओके, ये हो गया मेरा वीरे लाइट मटेरियल, अब ये लाइट भी देगा तो इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, बट हमें इसमें से लाइट निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसके नीचे दूसरी लाइट लगा देंगे, कोई भी IES लाइट या फिर ओमनी लाइट या जो भी, ठीक है, फ्री लाइट स्पॉट लाइट वो लगा देंगे। अब ये मेरा यहाँ पे मटेरियल बन गया, ठीक है, मैंने इसको इसको भी कर दिया, और उसके बाद अब एक मेरी लाइट लग गई, अब जितना मेरे को चाहिए मान लो मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, इस तरीके से चाहिए ना, हाँ बराबर। ठीक है, अब मैं टॉप पे जाता हूँ, वायर फ्रेम ऑन करता हूँ, अब मेरे को कॉपी करना है, अरे बना सकते हैं। तो हाँ मैं इसको
एरे नहीं, एरे करोगे तो बीच में भी आ जाएगा। हाँ कॉपी करके मान लो मैंने चार इंस्टेंस कर दिए, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैन्युअली भी आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। ओके इसको फिर सिलेक्ट किया, कितने पोर्शन को, अरे ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ विंडो क्रॉसिंग पे, ये बीच वाले हो जाएंगे। कॉपी करके मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी चाहिए ना साइड में, तो हाँ बराबर यहाँ पे भी मैंने कॉपी कर दिया इंस्टेंस 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पे आ गया और इनको मैंने सिलेक्ट करके कर दिया डिलीट। अब ये आ गया बेसिकली आपका, क्लियर है? ये मेरी लाइट यहाँ पे आ गई, बीच वाली मेरे को नहीं चाहिए तो बीच वाली मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, अब फ्रंट पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको तो कर देता हूँ नीचे यहाँ पे। अगर कोब लाइट भी लगानी है वो तो आपको पता है कैसे लगानी है, पहले इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, बट असली इफेक्ट आपको तब पता चलता है जब आप मटेरियल लगा देते हो। बराबर ठीक है, तो मैं ये वाला मटेरियल बेसिकली लगाते, तो मान ली सारे मटेरियल में रिसेट कर देता हूँ। सभी मटेरियल रिसेट करने के लिए मैं रिसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन था रिसेट का, खैर कोई नहीं छोड़ो। जैसे ये वाला मटेरियल है मैंने रिसेट कर दिया, डिलीट कर सकते हो आप यहां से। ठीक है, ये है, ये डिलीट कर यूटिलिटीज सकते में आपने किया था वो नहीं है क्या, वो हैं। यूटिलिटीज लास्ट वाला यूटिलिटीज क्या, आपने अभी रीसेट मटेरियल स्लॉट्स था ना यूटिलिटीज में, वो ऑप्शन नहीं है क्या? मैं समझा नहीं। ये मटेरियल एडिटर में यूटिलिटीज है ना, यूटिलिटीज इधर इधर इधर, ये अच्छा, इसमें वो अपना था ना रीसेट मटेरियल वो एडिटर पे। एक हो गया, बेसिकली एक रिसेट हो गया, सारे अच्छा, और नहीं हुए ना, ऑल नहीं हुए। ठीक है, ओके ओके हाँ, तो मैंने ये वाला मटेरियल ये लगा दिया, असाइन टू सिलेक्शन, ये ओ ये सब पे लग गया, अंडू, हाँ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मटेरियल लगाया और ये इस पे लगाया। ठीक है, अब ये नॉर्मल ये वाला मटेरियल है और इसको हल्का सा मैं येलोइश कर देता हूँ ताकि लाइट इफेक्ट दिखे, और टॉप पे जाके, और कहाँ से मेरा ओपन है बेसिकली, यहां से टॉप पे गया, और अब लाता हूं मैं यहाँ पे वीरे फिजिकल कैमरा, ऑटो ग्रिड ऑन, और यहाँ पे ये दिखा देता हूँ सी, और ये मेरा व्यू आ गया यहाँ पे। वायर सेफ फ्रेम ऑन कर देता हूँ और इसको हल्का सा मैं आगे की तरफ ऐसे कर देता हूँ, क्लियर है? अब मैं इसका रेंडर करता हूँ, तो देखो उसमें से ही जितनी रोशनी आ रही है उतनी आपको दिखाई देगी। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट लेफ्ट यहाँ पे जाके एक लगा देता हूँ वीरे लाइट रेक्टेंगुलर, टॉप पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पीछे की तरफ, और इसको मैं लेंथ विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अब सी, और इसको मैं कर देता हूं क्या, ऑप्शन पे जाके इनविजिबल, क्योंकि कैमरे के आगे है ना ये। अब मैं सी प्रेस करूंगा, अब मैं रेंडर करूंगा, तो अब देखो दिख रही है वो लाइट, वैसे ऐसी दिखती है, सीलिंग भी ऐसी दिखती है। अब जैसे जैसे आप करते चले जाओगे, मान लो आप फॉल्स उसमें कोब लाइट लगानी है तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार लगा देता हूँ, इतने में ही लगा देता हूँ, मैंने वीरे लाइट लिया है यहाँ पे और यहाँ पे कोब लाइट, लेंथ बढ़ा देता हूँ इसकी, ये मैंने यहाँ पे प्लेस की, टॉप पे गया, इसको मैंने प्लेस किया थोड़ा यहाँ पे पीछे की तरफ, फ्रंट में गया लेफ्ट में, इसको मैंने रोटेट कर दिया हल्का सा छत की तरफ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी पे गया, मल्टीप्लायर बढ़ाए और कलर मान लो मैंने कोई भी ब्लूश कर दिया, मान लो हल्का सा, या ग्रीनिश कर दिया या पिंकिश कर दिया, ये किया, और इसको मैं क्या कर दूं अब, मिरर इंस्टेंस वाई कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, एक्स में, ओके, और इसको मूव कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, टॉप पे जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी नॉर्मल, और इसको मैं क्या कर दूँ,
रोटेट और फिर रोटेट, ये सारे ऑप्शन अब ऐसे ही चलेगा आपका सारी चीजें ना, ऐसे ही कर करके आपको देखना है तभी आपको समझ में आएगा। मैं अब लाइव क्लास में यही तो होता है ना, सारी बराबर चीजें समझ में आ जाती है इस तरीके से, बराबर और वीडियो देखोगे तो वीडियो में इतनी चीजें समझ नहीं आएगी। बराबर ठीक है, तो इधर भी लगा देता हूँ, इसको मैंने इंस्टेंस कॉपी कर दिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इससे देखो कितना इफेक्ट बढ़ जाएगा आपका, आगे ऊपर वाली लाइट, अब बराबर सामने वाली लाइट, ये साइड वाली सही दिख रही है, सामने वाली लाइट हमें चमक रही है सामने, क्योंकि बराबर एंगल ही हमारा ऐसा है कि लाइट ही दिख रही है सामने, बराबर तो मैं उस लाइट को क्या कर दूं, सिलेक्ट करके इनविजिबल, कि लाइट नहीं अच्छा चाहिए हमें। अब अगर मैं रेंडर करूं तो वो लाइट नहीं दिखेगी, वो रोशनी दिखेगी, बट वो अंधेरा तो दिखेगा ना। अब ये हाँ डिपेंड करता है आपके कैमरे के एंगल पे, अगर मैं कैमरे का एंगल थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि मेरे को दिखाई ना दे, वो अच्छा नीचे से करना है। हाँ नीचे से बराबर कर दूं, या फिर लाइट को मैं थोड़ा पीछे कर दूं और इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो सारी चीजें उससे काम चल जाएगा। अगर मैं इस लाइट को थोड़ा पीछे कर दूं, हाँ बराबर ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ा दूं, बराबर इंटेंसिटी में सबकी 70 कर देता हूँ, इसकी भी 70 हुई और इस वाले की भी 70 कर देता हूँ। तो अब ओके ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को यूज करते हो। बराबर अब देखो आ गया उस तरीके से, ठीक बराबर बराबर है, और इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे। सिलेक्ट किया, इंटेंस 70 की जगह मैंने वाले 100 कर दिया, और इधर वाले को भी मैं 100 कर देता हूं। अब ये आपका हिट एंड ट्रायल रूल चलेगा, सेटिंग कर करके देखते रहो अपनी स्क्रीन किस तरीके से आपका चलेगा। इसकी बाहर वाली की रोशनी मैं इसकी इंटरेक्टिव रेंडर ऑन कर देता हूँ ताकि मैं साथ के साथ देखता रहूं। ठीक है, तो मैं ये बाहर वाला मैंने लिया लाइट, और इसकी भी इंटेंसिटी मल्टीप्लायर मैंने बढ़ाया। अब अगर मैं सी प्रेस करता हूं तो अब देखो, अब जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे आपको यहां पे दिखता चला जाएगा, समझ रहे लो हो। हो गया वो एकदम। सारा खेल आपका मटेरियल का है, आपका अच्छे से वर्क करने का। आप थोड़ा सा रोशनी आपको इसकी भी ज्यादा चाहिए, मान लो इन लाइट्स की भी, तो इसके भी मटेरियल पे चले जाते हैं। और ये वाला लगाया था ना मैंने वीरे, कौन सा लगाया मैंने, नहीं लाइट है। ये तो दिख ही नहीं रहा, वो हट ही गया मटेरियल में भी। कौन सा लगाया था लाइट का मटेरियल, लाइट मैं अब देखने के लिए मैं पिक कर लेता हूँ इस मटेरियल को। ये वाला मैंने मल्टी शेड में तो वो लगा ही नहीं है ढंग से। अब मैं इसको दोबारा से एक काम करता हूँ, तभी तो दिख नहीं रहा हूँ, इसको घुमा के इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला मटेरियल मैं अप्लाई करता हूँ और इसको करता हूँ वीरे लाइट मटेरियल, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ। अब प्रेस करता हूँ सी, अरे वो तो आगे की तरफ है, पीछे वाले उस पे करता हूँ जो दिख रहे हैं बेसिकली मुझे। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने किया अप्लाई, ओके, ऐसे ही इस पे। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है जिससे आप जो एग्जिस्टिंग सारे उस हिसाब से जो भी उसके उसके जैसे जो भी लाइट है सब पे वो इफेक्ट आए। ना ये देखो, अब उस पे लगाया तो अब दिख रही है और जलती हुई, इन पे मटेरियल हट गया था तो ये दिख नहीं रही, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब ये जितने भी इफेक्ट आपके आएंगे लाइट से रिलेटेड, अगर मैं आप इंटीरियर की बात करूं यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ पे अब लाइट के इफेक्ट है, सीलिंग दिखाता हूं आपको, ये देखो, अब ये जितने भी हैं, ये समझ गए आप पूरा इफेक्ट हाँ हाँ कैसे बराबर कैसे किया गया होगा, बराबर ये सारी चीजें समझ गए। बराबर अब जैसे यहाँ पे राउंड में है, अब हमारे पास तो जो लाइट है वो तो प्लेन है, बराबर रेक्टेंगुलर, ये करने के लिए आप क्या करोगे, छोटी छोटी प्लेन लगाओगे ऐसे एक एक करके। ओके। अब राउंड में तो हमारे पास कोई प्लेन लाइट नहीं है ना, सर ये इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे एक शेप बना के उसको लाइट में कन्वर्ट किया बिल्कुल कर सकते हो अगर आपका इफेक्ट आ रहा है उस तरीके से, तो सिमिलर आना चाहिए। अगर आपका काम चल रहा है, मतलब सारी चीजें फिर चलेंगी जुगाड़ पे, अगर आपने वो जुगाड़ किया और आपका उससे काम चल गया तो ठीक, आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसके इफेक्ट थोड़ा कम रहता है इसलिए हाँ बोल रहा बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो अगर आपका काम चल जाए तो।
अच्छा ठीक है। अब इसने ऐसे किया हुआ है, क्या पता इसने पीछे प्लेन लगा के उसको वीरे मटेरियल दे दिया, वो लाइट मटेरियल, उसका काम चल गया और इससे इफेक्ट ऐसा आ गया हो। तो डिपेंड करता है कि आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा हाँ, आपका इफेक्ट आपके तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको तो फाइनली जो क्लाइंट को देना है वो देना है रेंडर। हाँ अब बराबर क्लाइंट को मतलब नहीं है कि आपने लाइट से ये बनाया है, किस तरीके से बनाया है, क्लाइंट को मतलब नहीं है इन सब चीजों से। ठीक है, बराबर अब जैसे लैंप के अंदर मैंने इफेक्ट आपको बताया, वो इफेक्ट आप एज इट इज फोटोशॉप में बना सकते हो। क्लाइंट बराबर को मतलब नहीं है कि आपने कहां से बनाया, क्लाइंट को चाहिए काम। बराबर ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब पूरा राउंड है। अब यहां पे देखो बिल्कुल छोटी छोटी लाइट लगानी पड़ेगी। अब यहां पे आप देख भी पा रहे हो कहीं पे इंटेंसिटी कम है कहीं पे ज्यादा है, ये छोटा छोटा इफेक्ट देख रहे हो ना, हाँ हाँ ये हाँ उसी वजह से है कि प्लेन लगाए गए हैं छोटे छोटे। अच्छा अगर दूसरा चीज करे, थोड़ा पीछे करके एक सरफेस बना दो लाइन से, उसको एक्सट्रूड करके और उस पर वीरे मटेरियल लगा दो, तो उससे भी इफेक्ट आ जाएगा। ओके सरफेस एंड अच्छा सरफेस लगा के ना, ठीक है। तो अब ये चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आप इसे किस तरीके से करते हो। यहाँ पे देखो इसने वीरे डबल साइडेड मटेरियल लगाया ताकि ये ग्लो कर रहा है, यहां से हाँ जाली। जाली टाइप में, समझ रहे हो। अब वो सरफेस क्या बोल देते हैं, नहीं समझा मैं, चलो एक्सट्रूड। सब ये सरफेस वाला भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने ये किया, इसको क्लोज किया। ठीक है, अब मान लो अब मेरे पास ये है, अब मैं ये इफेक्ट, मान लो मैं ये लाइट हटा देता हूं, कोब लाइट। अब कोब लाइट में दूसरे तरीके से देखता हूं लगा के, कि अगर मेरा काम चल जाए तो। ठीक है, तो कोब लाइट लगाने के लिए मैंने क्या किया, बेसिकली टॉप पे गया, वायर फ्रेम ऑन किया, मैं एक ले लेता हूं रेक्टेंगल यहां से शेप में जाके, और मैं पीछे की तरफ एक रेक्टेंगल ऐसे बना देता हूं थोड़ा पीछे करके इस अच्छा एज से ना। वो तो आप उसको कनेक्ट विनेक्ट करके वो सब बनाओगे। कुछ नहीं किया मैंने कनेक्ट, अभी मैंने तो सिंपल एक रेक्टेंगल बनाया और इसको ले जाता हूं मैं इसके बीच में, अच्छा और इसको मैं कर देता हूं रेंडरिंग ऑन करके, हाँ वही अनेबल मैं रेंडर, अनेबल व्यू पोर्ट, और रेक्टेंगुलर कर देता हूं, और इसकी लेंथ मैंने थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इतनी हाँ कर देता हूं कि इसकी लेंथ इसके बीच में आ जाए। वही अपने मॉडलिंग वैसे किया उसका मॉडलिंग मैंने वैसे कर दिया, बराबर। हाँ ठीक है। ओके और इसको मैं विड्थ मेरे को चाहिए नहीं इतनी, विड्थ को बिल्कुल कम ही कर देता हूँ, मेरे को इतनी विड्थ की जरूरत नहीं है, मेरे को सरफेस एक पट्टी सी चाहिए, सरफेस वाली अच्छा हाँ हाँ ये चाहिए मेरे को बेसिकली। बराबर बराबर एलईडी स्ट्रिप जैसा। हाँ, इस पे मैं सिर्फ मटेरियल लगा दूंगा, अब ये जो लाइट मटेरियल है ना हाँ हाँ ऐसा बराबर ही मटेरियल लगा दूंगा मैं इसको, वीरे मटेरियल को दोबारा से एक लाइट मटेरियल बना देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ जो मेरे को वो वाला चाहिए था, और इसकी मैं इंटेंसिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इससे देखते हैं मेरा काम चल रहा है क्या नहीं। अगर मैं अब यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करता हूँ, देखो यहाँ पे ये नहीं, पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको, रोटेट कर ना ना एंगल। रोटेट नहीं करना पड़ेगा मेरे को, कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली करना पड़ेगा पहले, अच्छा हाँ क्योंकि वो एक शेप ही लेगा और शेप की कोई थिकनेस नहीं होती। हाँ 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 अब जाके मैं इस मटेरियल को अप्लाई करूंगा, अब रेंडर करके देखता हूँ, अब आ रहा है देखो इफेक्ट, वही ओके सेम आ गया ना इफेक्ट। बराबर ठीक है, मैंने इसको स्टॉप किया, इंटरेक्टिव ऑन किया, इंटेंसिटी और बढ़ा देता हूं, आ गया वो इफेक्ट। ओके पीछे नहीं आया, क्यों नहीं आया, थोड़ा सा वो सरफेस पीछे है, तो हाँ मैं टॉप पे जाऊंगा और दूर यहां से मैं इसके वर्टेक्स को क्लिक सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा क्या कर दूंगा आगे की पास। तरफ। ठीक है, अब मैं सी प्रेस करता हूं, अब दोबारा इंटरेक्टिव ऑन करता हूं, देखो अब आ रहा है वहां पे भी इफेक्ट इसको हम लोग वो ट्रेपेज़ॉइड बनेंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा है ना। बिल्कुल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप इस चीज को बना रहे हो। ओके अब सेम लाइट वाला इफेक्ट इससे भी आ गया ना, तो बराबर यही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जैसे राउंड में है कहीं पे, ऐसे ही लाइन से शेप बना दो। ठीक है, बराबर अगर आपके मान लो आप शेप बनाना भी तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर ऐसे बनाना तो पता है कैसे बना सकते हो। मान लो मेरे पास ये एक इस तरीके से बना हुआ सरफेस, सर ये मेरा ये डाउट था कि हम ये छोटे छोटे सरफेसेस इसमें बनाने से अच्छा है ऑटोकैड से मर्ज नहीं कर सकते तो उसको ये कुछ। सिलेक्ट कैसे करोगे,
पिक नहीं कर सकते ना आप उसे। हाँ, जैसे कि अपना पीओपी फॉल सीलिंग का मूवी पीओपी ले फॉल्स आए। के लिए तो बना के तो ले आए, तो उसको यहाँ पे भी तो बनाना पड़ेगा ना। आप उसको एज इट इज को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड वगैरह नहीं कर सकते, वो नहीं है क्या ऑप्शन है इसमें? नहीं। ठीक है, अब जैसे ये है मेरे पास, हुँ। अब मेरे को ये बनाना है इसकी एजिस को सिलेक्ट करके। तो हुँ। एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे जाऊं, सर्कल करूं, यहां से सेंटर ढूंढ के कहीं पे एक सर्कल बनाऊं, तब जाके मेरा कहीं वो बने। बट ये तरीका यूज नहीं करेंगे हम, यूज करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है, हुँ। और इसके एज को सिलेक्ट करके एक को हम कर देंगे लूप। क्योंकि बट ये लूप में सिलेक्ट नहीं हुआ, ऊपर कनेक्ट नहीं है, रिंग में नहीं, ये लूप चाहिए इसको सिलेक्ट करके। ऊपर कैप पे ये नहीं है ना सेगमेंट्स, सेगमेंट नहीं है, हम एक काम फिर जुगाड़ करने पड़ेंगे। देखो अभी कैप पे आप सेगमेंट डालोगे तो मैं मेरे इसको को डिलीट मार होगा। देता हूँ, कैप को, हाँ तभी होगा, मैं इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी होगा। बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया, हाँ करो करो। अब राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा क्रिएट शेप। मेरे को इसकी जगह एक अलग लाइन चाहिए ना, बेसिकली हाँ। क्रिएट शेप, और इसको कर दिया मैंने लीनियर एंड मैंने कर दिया ओके, तो आपकी शेप बन गई। ये हो गया अलग से, ठीक है। इस शेप को मैंने सिलेक्ट करके अनेबल इन रेंडर अनेबल व्यू पुट अभी ऑफ किया, और दोबारा से मैंने इसको सिलेक्ट करके वापिस मैं इसको बॉर्डर से सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके लगा देता हूँ कैप। अब मेरे पास ये अलग से आ गई शेप। हाँ बराबर इस शेप को अगर मैं फ्रंट में जाके दिखाऊं आपको, थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, बराबर। इसको अनेबल कर सकता हूँ व्यू पोर्ट और रेंडर। मेरे पास ये पट्टी भी आ गई, और इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, स्केल अंदर की तरफ। अब इसको मैं मटेरियल अप्लाई कर सकता हूँ, ये वाला सर सर ये इसको हम ऊपर से अंदर ले सकते हैं ना, है। एंगल एंगल देना है, पूरा पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ना है, तो आपके पास वो ऑप्शन है ना, वर्टेसेस सिलेक्ट करके नहीं, नहीं करें तो। वर्टेक्स सेलेक्ट करके नहीं करोगे। हमारे पास वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी ऑप्शन का पता चलेगा। अब हमारे पास वो है, क्या नाम है, टेपर। हाँ जब हमारे पास टेपर है, अगर मैं टेपर करता हूँ, हो गया अंदर की तरफ, ऐसे हाँ 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 हो गया ना, देखो ये झुक गया, नहीं बिल्कुल। पॉली पे भी टेपर लगा सकते हैं हम। अब अगर वर्टेक्स से करते फिर तो कितना टाइम लग हाँ जाएगा, बहुत टाइम। हाँ, बराबर बट बराबर। अगर उससे भी करना है तो उससे भी बता देता हूँ कैसे करना है। मान लो मैं इस एज को सिलेक्ट करके लूप कर देता हूँ, तो सारी एज सिलेक्ट हो गई, हाँ बराबर, उसको खूब इसको स्केल कर खींचना दो, अंदर। हाँ इसको स्केल कर दो अंदर की तरफ, बराबर तो इस तरीके से वो आ जाएगा आपका। बराबर। वरना हमारे पास वो है तो पेपर FFG, से ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से, पेपर क्योंकि से बढ़िया हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अभी आपने अंदर खींचा तो अलग हो रहा था वो अलग चीज। से निकल गया, नहीं एक मिनट, मैं एजिस को अगर करूं तो वो अलग से आ गई एजिस। बराबर, अलग से खींच के अंदर ले रहे हैं, हाँ ठीक है, टेप पर आपका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेपर से अच्छा है, क्योंकि उससे इफेक्ट आएगा बराबर बिल्कुल बिल्कुल, समझ लाइट। रहे हो। तो ये सब चीजें करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो, बट कर तब सकते हो जब प्रैक्टिस करोगे। सर जरूर करो, जरूर करो। ये मेरा आप दो, ये मैं आपको एक बार शेयर, आपका हो गया सर बता के, हाँ 1 मिनट में आपको, 2 मिनट लेता हूँ आपके। हाँ ये देखो सर, ये मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, एक सेकेंड। हाँ ये मैं आपको देखा। मजा तब आएगा जब आप पूछोगे, सर ये करना है, ये कैसे करो, ये किसमें बनाया आपने। अच्छा ये देखिए, ये मेरा वो डायलॉग्स का प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअली ये एक कंपनी है जिसका ये प्लान है, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो मैं हर एक रूम में आपको ये ऐसा जैसे सही है कि फर्नीचर बनाना होता है। अभी मैंने मशीन्स का थोड़ा बहुत बनाया है, और ये खिड़की विड़की सब बनानी पड़ती है। ये आप लाइट, ये सॉफ्टवेयर का यही एक खासियत है, इसमें आप उसके जैसा बना सकते हो, मगर वो बहुत मगजमारी का काम होता है, 3D जैसा इंटीरियर बनाना। इसमें आप ये कर सकते हो कि ये लाइट में इतना आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है ना, ये खास करके लाइट के लिए ही है, जिनको वो लाइट का यूज इतना होता है कि मतलब हम लाइट लाइट कितना लक्स कितना चाहिए सब, वो सब ये रिपोर्ट आपको बना के देता है। ये देखो ट्यूबलाइट वगैरह वो डाला है मैंने, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये वो लगता है लाइटिंग डिजाइन में, ये मैं करता था पहले, ये इसका काम आया है मुझे, अभी ये चल रहा है। सही है सही है।
मैंने पहले इसमें भी ट्राई किया था 3DS के करने से पहले, इसमें भी है कुछ प्रोजेक्ट नेट पे। ठीक, सही है सही है, बिल्कुल। कोई नहीं, उस पे भी आप प्रैक्टिस करो अगर कर रहे हो तो। करता हूँ करता हूँ। नहीं मैं ये सर मैं बोला ना आपको, ये वो काम बीच बीच में देते हैं मुझे, तो वो करना पड़ता है। कुछ एकदम ना भी नहीं तो बोल सकता, तो पर कोई प्रॉब्लम, ठीक मैं करता हूँ ना, मैं प्रैक्टिस, वो मुझे करना ही है वैसे भी, क्या है। ठीक हाँ है ठीक है, कोई नहीं, चलो फिर। आप मुझे वो वीडियो भेज दीजिए, मैं हाँ और मंडे, कभी करेंगे, अभी मंडे करेंगे। हाँ हाँ मंडे करेंगे, ठीक है चलेगा, मैं करता हूँ। मंडे नहीं अच्छा ट्यूसडे करेंगे, मंडे मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है चलेगा ठीक है, चलेगा। ओके ओके। ओके 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 सर, थैंक यू। हाँ बाय बाय।